वर्ष 2020 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला था, क्योंकि इसरो पिछले वर्ष 2020 में चंद्रयान 3 और गगनयान जैसी कई महत्वपूर्ण मिशनों पर काम कर रहे थे, पर कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप इसरो इन मिशनों को 2020 में पूरा नहीं कर सका। इसरो के कामकाज में व्यवधान इतना गंभीर था कि इसरो 2020 में केवल 2 ही लॉन्चिंग कर सका, एक नवंबर और दूसरा दिसंबर 2020 में। इसरो अब इन मिशनों पर 2021 में काम कर रहा है। तो आइए नज़र डालते हैं इसरो के मिशन 2021 के बारे में। सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की असफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो ने वादा किया था कि 2020 में एक और चंद्र अभियान शुरू करेगा, पर कोविड-19 के प्रतिबंधों एवं अन्य देरी के कारण इसरो 2020 में ऐसा नहीं कर सका। चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर लेकर जाएगा, पर इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, क्योंकि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर अभी तक सही रूप से काम कर रहे हैं। हालांकि इसरो ने अभी तक इसके लिए कोई आधिकारिक तिथि की पुष्टि नहीं की है। गगनयान भारत का पहला क्रूड मिशन होगा, जिसके तहत 3 सदस्यीय चालक दल को 5 से 7 दिनों की अवधि के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसी के तहत इसरो को 2 अनक्रूड अर्थात मानव रहित उड़ान टेस्ट करनी है। अपने नए साल के संदेश में इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा था कि गगनयान कार्यक्रम के तहत पहली मानव रहित उड़ान इस वर्ष हासिल करनी है। इससे पहले दिसंबर 2020 के लिए पहले मानव रहित मिशन की योजना बनाई गई थी। कोविड-19 के कारण अन्य मिशनों के बीच अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण में व्यवधान के कारण इस मिशन में देरी हो गई। ।2016 में इसरो ने अपने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर का पहला परीक्षण किया था, जिससे वह भारत के पहले रीयूजेबल 2-स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विकसित करना चाहता है। 2016 में हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट की सफलता के बाद इसरो एक लैंडिंग एक्सपेरिमेंट करने की योजना बना रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर को एक हेलीकॉप्टर से गिराए जाने के बाद स्वतः लैंडिंग करेगा। एक्सपेरिमेंट के पहले भाग में इंडियन एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर को लगभग 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठा लेगी और उसे मुक्त कर देगी। रिलीज के बाद टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में एक हवाई क्षेत्र में रनवे की ओर नेविगेट करेगा और अपने दम पर स्वतः लैंडिंग करेगा।
SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पिछले कई वर्षों से इसरो इस पर काम कर रहे थे। यह एक तीन चरण का लॉन्च प्लेटफॉर्म है जो लो अर्थ ऑर्बिट में 500 किलोग्राम और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में 300 किलोग्राम तक का सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। ऐसे समय में जब स्पेस इंडस्ट्री की बड़ी कंपनियां मनुष्यों को चंद्रमा और उससे आगे ले जाने के लिए हेवी लॉन्च प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, इसरो ने केवल दो कारणों से SSLV, जिसे हिंदी में छोटा उपग्रह लॉन्च वाहन कह सकते हैं, का विकास किया है। पहला, छोटे उपग्रह प्रक्षेपण के लिए उभरते बाजार पर कब्जा करना। दूसरा, ऑन डिमांड लॉन्च सेवाओं को कम करना और टर्न अराउंड समय को नीचे लाना, जिससे प्रति किलोग्राम लॉन्च लागत कम हो जाएगी। छोटे उपग्रहों का बाजार तेज गति से बढ़ रहा है। ब्राइस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे उपग्रह जिनका वजन 600 किलोग्राम तक का है, जिन्हें छोटे सैटेलाइट कहा जाता है, 2018 में 328 ऐसे उपग्रह लॉन्च किए गए थे, जो 2019 में बढ़कर 389 हो गई। यह बाजार वर्तमान में $3.6 बिलियन के आसपास होने का अनुमान है और 2025 तक $15 बिलियन से अधिक